दमोह के तहसील ग्राउंड पर ऐतिहासिक बुंदेली जलवा महोत्सव 2023 होने जा रहा है। 19 दिसंबर शाम 4 बजे ये भव्य आयोजन होगा। ऐसे में सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। आप तमाम लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। विशेष रूप से कलर्स, GTV एवं स्टार प्लस के कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों के कलाकार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो लगातार दिखाएंगे आपको अपनी कला के जलवे। खास बात है कि सिर्फ एक दिवसीय आयोजन होगा। दमोह के तहसील ग्राउंड पर ये भव्य आयोजन होगा। आप सभी से हम उपस्थिति की अपील करते हैं, तो जरूर पधारिए, हमें इंतजार रहेगा। जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ। हम आपके जित्तू खरीबादल, बुंदेलखंड के एक छोटे से कलाकार। हम आ रहे हैं दमोह तहसील ग्राउंड में बुंदेली जलवा महोत्सव में। दिनांक 19/12/2023, यानी यही 19 के कल परसों रात्रि में। तो आप लोग हैं जरूर 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 आओने बुंदेली राय, बुंदेली खंड की सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं आप लोग जरूर देख भी आइयो। तो हम आपको इंतजार कर रहे हैं। और इके आयोजक हैं माननीय पंडित जी संजय सरवरिया जी, उनकी तरफ से भी समस्त जनता के आमंत्रण करूंगा। वो है तो सब जनों के आने हैं। जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोह से गुजरने वाली कामायनी एक्सप्रेस में एक लाश मिलने से सनसनी है। बताया जाता है कि ये जो लाश है वो वसीम खान की है, जो कि बैतूल के रहने वाले हैं। सफर कर रहे थे, बीच रास्ते में अज्ञात कारणों से उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी स्टेशन मास्टर को लगी तो उनके द्वारा GRP को इस संबंध में सूचना दी गई। GRP मौके पर पहुंची। कामायनी एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे तक दमोह के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी रही। शव को नीचे उतरवाया गया, पंचनामा की कार्रवाई की गई। इसके बाद शव को दमोह जिलास्पाल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है। सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, परिजनों को सौंपा जाएगा। अभी परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। बैतूल से दमोह परिजन पहुंचने वाले हैं। कामायनी एक्सप्रेस में वसीम खान नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। GRP के द्वारा मामले में जांच जारी है। सबको सुरक्षित रखवाया गया है, परिजनों का इंतजार है कैसे ये मौत हुई, ये अभी पहली है। मामले की जाँच होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद स्पष्ट होगा कि मौत की वजह क्या है। आज दिनांक 18/12/23 को सुबह 9 बजे स्टेशन मास्टर दमोह ने सूचना दी कि ट्रेन कामायनी एक्सप्रेस के जनरल कोच में आगे तरफ एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसे उतारने की व्यवस्था करें। सूचना पर प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी कामायनी एक्सप्रेस को अटेंड कर पंचायतनामा कार्रवाई की गई। एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया, जिसके जेब में मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पर्स, 3350-60 रुपये नगद सामान मिला। मोबाइल से उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतक के जेब में मिला आधार कार्ड से मृतक का नाम वसीम खान, निवासी बैतूल का होना बताया है। परिजनों के आने पर जिला अस्पताल दमोह से पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्द किया जाएगा। सर, कहां से कहां की यात्रा कर रहा था? ये बैतूल तक का टिकट मिला इसके पास, छनेरा से बैतूल। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार, संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।